वेलकम बैक गाइज टू माई न्यू वीडियो। तो गाइज़ अगर आपके पास MIUI 14 है तो आपको यहाँ पर उसका जो न्यू गैलरी ऐप है उसके फीचर्स के बारे में पता ही होगा, लेकिन अगर आपके पास MIUI 14 का गैलरी ऐप नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा MIUI 14 के नए गैलरी फीचर्स के बारे में। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर उसमें अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। आप जानते होंगे कि Xiaomi जो है यहाँ पर iPhone की फीचर्स जो है वो कॉपी करता है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ जो फीचर्स है वो iPhone के देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज बात करें यहाँ पर MIUI 14 गैलरी ऐप के फीचर्स की, तो यहाँ पर जैसे ही आप सबसे पहले गैलरी को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपको लुक जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले फीचर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि iPhone के जो यहाँ पर फीचर्स है वो यहाँ पर Xiaomi कॉपी करता है, तो वैसे ही एक फीचर है यहाँ पर इमेज से टेक्स्ट को कॉपी करने का जो कि एप्पल आईफोन का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉपी और उसका जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर कॉपी सिलेक्ट ऑल और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ से टैप करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पर टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर मोर में जाएंगे तो मोर में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइज टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसके थ्रू यहाँ पर इमेज पर जो भी टेक्स्ट होगा उसको यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज कर लेगा। आप उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सेव या फिर शेयर कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव वाटरमार्क भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आप चाहें तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट डालेंगे वो आपकी इमेज पे जो है एज ए वाटरमार्क यहाँ पर आ जाएगा। जैसे डू नॉट कॉपी यहाँ पर लिखा था, तो आप अगर इसको जूम करके देखेंगे तो डू नॉट कॉपी यहाँ पर पूरे इमेज के ऊपर यहाँ पर आ गया है, तो ये एक प्रोटेक्टिव वाटरमार्क है यहाँ पर। इसके अलावा जो भी फीचर्स हैं आप देखेंगे वो यहाँ पर नॉर्मल है, कास्ट स्टार्ट स्लाइड शो रीनेम और डिटेल्स का, तो ये यहाँ पर कुछ कॉमन जो है फीचर्स वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके नेक्स्ट फीचर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कोई इमेज है इसको अगर आप यहाँ पर एडिट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो एडिट के ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जो बेसिक ऑप्शन होते हैं इसको एनहेंस करने के, ऑटो क्रॉप फिल्टर, ये सब यहाँ पर कॉमन चीज़ें जो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर AI पे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको इरेज का ऑप्शन मिलता है, तो इरेज अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली रिमूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिमूव लाइन्स और रिमूव पीपल का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो रिमूव पीपल जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस फोटो में आपको जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं पीपल वो यहाँ पर इस पर जो है ऑटो सिलेक्ट कर लेगा। जिसको भी आप यहाँ पर रिमूव करना चाहते हैं आप उस पर सिंपली ऐसे टैप करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक फ्रेम बन जाएगी और आप यहाँ पर क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये भी जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा फीचर्स देखने के लिए मिलता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को ऐसे राउंड में यहाँ पर करना है और वो ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप मैनुअली उसको सिलेक्ट करके भी ये चीज़ जो है यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्काई का जो यहाँ पर आपको फिल्टर दिया हुआ है, इसमें आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है ये आप देख सकते हैं क्लाउड्स के यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड में लगेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पर चेंज किया, ऐसा लगेगा ये नेचुरल है। काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के मिलते हैं, नाइट के भी कोई काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने के मिलते हैं जो कि यहाँ पर आप अपने इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर देखने के मिलता है। स्टिकर्स और फ्रेम जो है यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं, बाकी ब्यूटीफाई के ऑप्शंस भी जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये तो यहाँ पर हो गई इमेज से रिलेटेड यहाँ पर फीचर्स। अगर अब हम बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की तो वो आपको देखने के मिलते हैं यहाँ पर रिकमेंडेड के सेक्शन में। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो न्यू फीचर्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ से कोलैज बना सकते हैं इमेजेस का, तो कोलैज जो है वो तो एक यहाँ पर नॉर्मल फीचर ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके के टेम्पलेट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, लेआउट्स मिल जाते हैं, फिल्म रोल करके आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप वेरियस टाइप के यहाँ पर अपने जो कोलैज है वो यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके नेक्स्ट फीचर की, तो वीडियो एडिटर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आप कोई भी अपने वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसी ऐप में उसको यहाँ पर आप थोड़ा बहुत उसको बेसिक जो उसकी एडिटिंग है वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे तो उसको उसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम लगाएगा इम्पोर्टिंग में, लेकिन जैसे ही इम्पोर्ट होता है उसके बाद आपको जो इसमें ऑप्शन हैं एडिट करने के वो देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो इम्पोर्ट हो गया है और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं जिसको कि आप यहां पर अपने वीडियोस पे अप्लाई कर सकते हैं। एडिटर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो वीडियो है आपको एडिट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे बेसिक से, जिसमें कि कट, स्पीड, रिवर्स, डिलीट, ये सब आप यहाँ पर
कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा फिल्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर फिल्टर्स दिए गए हैं जिनको कि आप अपने वीडियोस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ जो फिल्टर्स हैं यहाँ पर आपको ये यहाँ पर डाउनलोड करने पड़ेंगे, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे। इनहेंस में आप आएंगे तो यहाँ पर एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, ये सारी चीज़ों के आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे जिनसे कि आप अपने वीडियो को और भी लुक जो इसका बेहतरीन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप ऐड कर सकते हैं कैप्शन को, ऑटो जनरेट कर सकते हैं क्रेडिट से यहाँ पर कर सकते हैं। साउंड ट्रैक का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने फ़ोन में यहाँ पर जो है वीडियो में साउंड को ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। एक्सेप्ट रेशियो जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने वीडियो का, 16:9 में भी आप देख रहे हैं वीडियो को, यहाँ पर अगर आप 9:16 करेंगे तो भी आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, 3:4 और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर एक्सेप्ट रेशियो चेंज करने के। इसके बाद दोस्तों बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो वो आपको देखने के लिए मिलता है क्लिप का। तो यहाँ पर आप कोई भी जो अपने इमेजेस हैं उनको सिलेक्ट करके लाइक स्टोरी जैसे आप वीडियोस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी कुछ टेम्पलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। ऑडियो के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, अगेन यहाँ पर आप ऑडियो म्यूज़िक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं यहाँ पर। इसमें आप कुछ और आपको इमेजेस ऐड करनी है या फिर कुछ और ऐड करना है, यहाँ से आप जो वीडियो का है ड्यूरेशन यहाँ पर लॉन्गर रखना है आपको या 10 सेकंड का रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं इसमें। इसके बाद बात करें दोस्तों इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आईडी का। तो आईडी में अगर आप अपना कोई भी फ़ोटो आपके पास या तो पहले से या आप फोटो उसमें खींच भी सकते हैं, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको काफ़ी कुछ यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपको साइजेस देखने के लिए मिलते हैं, जनरल, ट्रेवल, वर्क, डॉक्यूमेंट, किस पर्पज़ से आपको फ़ोटोज चाहिए, और इसका अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बड़े ईजीली कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड जो है वन टैप में यहाँ पर बड़े ईजी तरीके से चेंज हो रहा है। लेआउट में आप देख सकते हैं ऊपर कि आपको यहाँ पर इस तरीके से इसके लेआउट देखने के लिए मिलेगा, या फिर आप वन इमेज करके भी यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, तो वो देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पर कटआउट का। तो कटआउट में जो भी आप इमेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं बड़े ईजीली वे में आप इसका बैकग्राउंड जो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में जो भी पीपल है या पर्सन है उसको यहाँ पर वो ऑटो सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड पर टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं वन टैप में ईजिली यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो जा रहा है। अगर आप यहाँ पर जो है इमेज पर टैप करेंगे तो इमेज जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इमेज कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से इमेज आप फ्लिप कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, यहाँ से आप इसमें एडिट के भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपका जो इमेज सिलेक्ट हुआ है इसमें आपको कोई एरिया ज़्यादा सिलेक्ट हो गया आप इरेज करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर हेयर ज़्यादा सिलेक्ट हो गए हैं आप इसको इरेज करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं, आपकी फ़ोटो में वो जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कोई एरिया छूट गया है तो ब्रश दिया हुआ है उससे आप उस एरिया को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो इमेज में आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये जो है काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर आपको MIUI 14 की जो गैलरी ऐप है उसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो दिया हुआ है यहाँ पर आर्ट का। तो आपके पास जो भी इमेज है आप उसमें इस तरीके के जो बैकग्राउंड में इफेक्ट आपको दिख रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी एक इमेज आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के आर्ट्स दिए हुए हैं आप उसको यहाँ पर करेंगे, आपके फ़ोटो पर सीधे वो अप्लाई होता जाएगा। तो वन टैप में यहाँ पर सब कुछ आपको बड़े ईजी वे में देखने के लिए मिल जाता है, फिल्टर इफेक्ट्स सब कुछ। इसके बाद बात करें दोस्तों यहाँ पर वीडियो इफेक्ट की, तो कुछ इस तरीके से वीडियो इफेक्ट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो मेरे डिवाइस में यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली क्योंकि ये जो ऐप है वो यहाँ पर MIUI 14 का है और रियलमी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जो डिवाइसेस है उसमें हो सकता है ये वर्क करे। तो आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके मुझे बताइएगा कि ये वाला जो फीचर है वो आपके डिवाइस में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर कोई और फीचर है जो वो आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा, तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करें कि कैसे आप अपने डिवाइस में इन APKs को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पर दो APK हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक है यहाँ पर गैलरी ऐप और दूसरी है उसके एडिटर की ऐप। तो इन दोनों को आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा कि शुरू में हो सकता है कि कुछ जो फीचर्स हैं वो आपके इसमें डाउनलोड ना हो, आपको उस पर क्लिक करके उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस फोल्डर का अगर मैं आपको पासवर्ड बताऊं तो वो 12345 है।
तो ये जो फाइल्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको डाउनलोड करके आपको पासवर्ड लगेगा, तो ये पासवर्ड आप वहाँ पर डाल दीजिएगा। तो गाइज ये थी यहाँ पर प्रोसेस इस डिवाइस को, इस एपीके को इंस्टॉल करने की। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।